दोस्तों सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आप हमसे अनअकैडमी पर जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे की परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। उसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करते ही आप हमसे जुड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब सॉल्यूशन चैनल पर। दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आज तक की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है जी। दोस्तों आरआरबी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 26,502 जो एलपी टेक्नीशियन के पद थे जिसे बढ़ाकर 60,000 पद कर दिया गया है और जल्द ही ग्रुप डी के पद भी बढ़ने वाले हैं और जिसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते देख लेते पूरी जानकारी। उसके पहले आपको एक सवाल का जवाब देते जाना है। आपकी स्क्रीन पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें से एक ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किसने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की संज्ञा दी थी। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाए ताकि आने वाली सभी सरकारी नौकरी की अपडेट और रेलवे की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया और एलपी टेक्नीशियन के जो पद थे 26,502 उसे बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया और इसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको आना है गूगल पर और टाइप करना है आरआरबी और सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आ जाएगी indianrailways.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना होगा और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पृष्ठ आ जाएगा और यहाँ पर आने के बाद आपको कोलकाता की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, क्योंकि सबसे पहले कोलकाता ने अपडेट दिया है और उसके बाद सभी बोर्ड की वेबसाइट पर धीरे धीरे अपडेट आ जाएगा आज ही। तो दोस्तों हम जाते हैं कोलकाता की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों कोलकाता की ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है और आप यहाँ पर देख सकते हो क्लिक हियर फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ CN01/2018 एंड CN02/2018। तो ये ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए दोस्तों ये आप देख सकते हो CN01/2018 एलपी टेक्नीशियन के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिस ऑन लाइकली एनहांसमेंट ऑफ वैकेंसीज फॉर CN01/2018। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने PDF ओपन हो जाएगी। तो जैसा कि हमने ओपन किया ये धीरे धीरे लोड हो रही है दोस्तों और ये जल्द ही ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जो 26,502 वैकेंसी थी एलपी टेक्नीशियन की वो बढ़ चुकी है और उसे 60,000 कर दिया गया है। तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जैसा कि देख सकते हो आप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है एलपी एंड टेक्नीशियन के लिए कि जो 26,502 जो वैकेंसी थी जो ये प्रोविजनल वैकेंसीज थी जिसे बढ़ाकर अब 60,000 वैकेंसीज कर दिया गया है। जी दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों 1 अगस्त 2018 को ये अपडेट आ चुका है। दोस्तों हम बात करते हैं ग्रुप डी की। तो दोस्तों जल्दी इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। जी दोस्तों जल्दी आपको ग्रुप डी की जो सीट है वो बढ़कर मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जुड़े तो नीचे आपको सब्सक्राइब का लाल बटन मिलेगा उसे क्लिक कर दीजिए, बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली सभी सरकारी नौकरी की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सकें।